रात के इस वक्त 11:30 बज रहे हैं। नोएडा के आज तक के अपने इस दफ्तर से हम जा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ये जायजा लेने के लिए कि जब सदी की सबसे सर्द रात पड़ती है तो राजधानी दिल्ली आधी रात को कैसे ठिठुरती है। आपको बता दें 119 साल का रिकॉर्ड राजधानी ने तोड़ दिया है और इस वक्त लोगों के लिए बेहद मुश्किल ये सर्द भरी रात। इसी का जायजा लेने के लिए राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हम चलेंगे। मेरे साथ हमारे कैमरा पर्सन सुधीर कुमार आपको दिखाएंगे कि आखिर ये रात कितनी मुश्किलों भरी है राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए। इंडिया गेट, आधी रात को जमाने वाली ठंड है, लेकिन कहते हैं ना कि मौज मस्ती वालों के लिए कुछ भी आड़े नहीं आती, बर्फीला मौसम भी नहीं। दिल्ली एक तरफ ठंड से ठिठुर रही है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हमें मिल गए जो इस ठंड रात का मजा लेने के लिए इस वक्त सड़कों पर हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये युवा अलग अलग दूसरे हिस्सों से आए हुए हैं राजधानी दिल्ली में। जरा इनसे बातचीत करते हैं। ठंड नहीं लग रही है क्या? बहुत लग रही है मैम। बहुत लग रही है तो खुले आसमान, रात के 12 बजने जा रहे हैं, खुले आसमान के नीचे क्या कर रहे हैं आप लोग? 119 साल का मजा ले रहे हैं। 119 साल पहले जो सर्द पड़ी थी तो उसका मजा लेने बस नाइट आउट के लिए आए थे, सोचा था कि दोस्तों के साथ आइसक्रीम वगैरह खा लूं। आइसक्रीम भी खाना है अभी, लाइब्रेरी से थोड़ा छुटकारा चाहिए था तो बस आ गए। क्या करते हो आप लोग? मैम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं ओल्ड राजनगर में। और अगर तबियत खराब हो गई तो फिर तैयारी कैसे होगी? तो मैम वो कर लेंगे, कल कुछ दवाई वगैरह खा लेंगे, बट होगी नहीं मैम। पहले बहुत बड़े दिनों के बाद निकले लाइब्रेरी से। दिनों के बाद आप लोग निकले हो। आप कहाँ से हो? मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से आए हो यहाँ पर, कृष्ण की नगरी से आप यहाँ पर निकल कर आकर ठंड का मजा ले रहे हैं आधी रात। बिल्कुल, वैसे हमारे यहाँ भी इतनी ठंड पड़ती है, मथुरा ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो मतलब आप फील कर रहे हो घर जैसा यहाँ पर अभी अभी की ठंड? हाँ जी बिल्कुल। घर वाले अगर देख रहे होंगे तो कहेंगे कि वो भी कैप भी नहीं पहना है, ऐसे ही आ गए। हाँ प्लीज मेरे घर पे मत दिखाना ये। आप कहाँ से हो? मैं आगरा। आप आगरा से हो, आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? नहीं मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। आप जॉब करते हो, ठंड का मजा लेने के लिए आपके पास भी कैप नहीं है? कैप की क्या जरूरत है, ठंड के जब मजा लेना है तो फिर कैप पहन के आएंगे तो कैसे मजा आएगा। ये अलग अलग हिस्सों के रहने वाले लोग हैं, ठंड का मजा लेने के लिए निकले हुए हैं तो कुछ जगह लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और कुछ लोग इस सर्द रात का पूरा लुत्फ भी उठाना चाहते हैं। कुछ और हिस्सों में लेकर चलते हैं आपको। चित्रा की रिपोर्ट आप ये देख रहे हैं, लेकिन एक और चित्रा हमारे साथ मिल गई इस खूबसूरत सी साइकिल पर। और 12 बज रहे हैं रात के, इंडिया गेट पर साइकिल चलाती हुई, मतलब कुछ खास है आज? नहीं वैसे ही बस ठंड देखकर मन किया हमारा कि इस ठंड का मजा लिया जाए और करीब से पूरा बिल्कुल ठंड में इन्वॉल्व होकर मौसम का मजा लिया जाए, कमी ना रह जाए, पूरा मजा लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग बाय चांस ग्लव्स भी पहनना भूल गए और हाथ एकदम फ्रोजन है, बट उसका अपना ही एक मजा है। देखिए खूबसूरत सी साइकिल पर सवार, साइकिल है या गाड़ी बोलेंगे इसको? ये बैटरी बाइक है। ये बैटरी बाइक है। यस यस यस। तो आप बैटरी बाइक के जरिए इसको पे करके किराए पर लेकर आए हैं या घर से? नहीं नहीं किराए पे लिया जी। कितना पे किया इसका? 250 था उसका वो है सिक्योरिटी एंड 50 rupees पर 1 hour। एक घंटे एक घंटे ये पूरे रात के 12 बजे 12 से 1। हाँ पूरा मजा लेंगे ठंड का। हमने अपनी और गाड़ी पार्क करी है। आपने अपनी गाड़ी पार्क करके इसको लिया? हाँ जी। और उसके बाद आप पूरे इंडिया गेट का चक्कर काट रहे हो? यस यस यस। इतनी ज्यादा ठंडी इसके पहले कभी महसूस की यहाँ पर? बहुत साल पहले करी थी, मेरे को अपना बचपन याद आ गया था एक्चुअली में। जब हम रामलीला होती थी तो हम शॉल और कम्बल लेके जाया करते थे, तो वो दिन मुझे याद आए हैं। बट ये बहुत ज्यादा सर्दी है इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा। yes. आप भी यहाँ पे मजा लेने के लिए आए हुए हो? जी बिल्कुल। ठंड नहीं लग रही है? ठंड लग रही है थोड़ी बहुत, बट अपना अलग मजा है ठंड का। ऐसा डर नहीं लग रहा है तबियत खराब हो गई तो? हो गई तो हो गई, क्या कर रहे हो? क्या कर सकते, हो गई देखी जाएगी। देखिए ऐसे ही दिल वालों की दिल्ली नहीं कही जाती है राजधानी दिल्ली को। आप देख पा रहे हैं दिल्ली के रहने वाले ये लोग हैं, पूरा फुल मजा उठाने के लिए इंडिया गेट पर इस वक्त आए हुए हैं, बैटरी बाइक से इंडिया गेट के चक्कर लगा रहे हैं और इस ठंड रात का सर्दी का मजा भी ले रहे हैं। आधी रात को इंडिया गेट पर लोग गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। दिलवालों की दिल्ली सड़क पर है और इन लोगों का ये कहना है कि दरअसल जब इतनी खूबसूरत रात हो और इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही हो तो शिमला मसूरी और बाकी पहाड़ी इलाकों पर जाने की जरूरत ही क्या है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हरीश। आधी रात को ठंड नहीं लग रही है और आप तो बिल्कुल हीरो बन के निकले हुए बाहर दिल्ली को मैम एंजॉय कर रहे पूरा मजदूरी से बुला के क्या करेंगे दिल्ली का मस्त मौसम। मस्त मौसम में आपको भी बिल्कुल 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 इस सर्दी का तो हम पूरे साल ही वेट करते हैं। बिल्कुल तैयार होके आई हुई है बिल्कुल मस्ती करने के लिए। बिल्कुल एकदम रेडी। आप हमारे दर्शकों के लिए दिल्ली की सर्दी पे गाना भी सुनाना चाह रही हैं। तड़पाए तरसाए रे सारी रात जगाए रे प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी।
देख लीजिए, बाकी लोगों को भी ये यही इनवाइट कर रही हैं, दिल्ली में आइए और यहाँ की ठंड रात को देखिए कितनी खूब। छोड़ के सारे यही आ जाइए, शिमला जो लोग गए हुए हैं दिल्ली वाले वो शिमला छोड़। बिल्कुल, दिल्ली से बेस्ट मौसम कुछ और हो नहीं सकता। आधी रात का ये वक्त है, 12 बज चुके हैं, कोई नहीं, ये नए साल का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी स्नोफॉल और हो जाए और मजा आ जाएगा। अभी मतलब बर्फबारी का भी इंतजार कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, और मजा आ जाएगा। ये लोग बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी तो इतने कड़ाके की ठंडी, ऊपर से इंतजार इस बात का भी है कि थोड़े इंद्र देवता अपनी मेहरबानी करें और थोड़ी यहाँ पर बर्फबारी हो जाए, बारिश बारिश भी दिल्ली के हिसाब से थोड़ी कम है। अभी 119 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, फिर और कोई नहीं, और टूटेगा रिकॉर्ड। अभी मजा नहीं आया इसमें, अभी भी मजा नहीं आया आपको? क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, बीसी कर रहा हूँ सेकंड ईयर। अभी भी आपको लग रहा है कि और मजा मिलना चाहिए और ठंड पड़ी? स्नोफॉल की कमी है, बाकी शिमला जाना था दोस्तों के साथ, बट मैंने सोचा दिल्ली में ही मजे ले ले। गजब की फैमिली है, आप सुन रहे हैं, सारे लोगों को कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में जाने की कतई जरूरत नहीं है, राजधानी दिल्ली ही शिमला और मसूरी बनी हुई है, यहीं पर पूरा लुत्फ इस मौसम के मिजाज का ये लोग ले रहे हैं। साल 2019 का ये आखिरी दिन है, 31 दिसंबर आधी रात का ये वक्त है, लेकिन दिल्ली वाले कहां मानने वाले। वसीम हमारे साथ मौजूद है, आज इनका बर्थडे भी है। सबसे पहले मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू मैम। और आप केक से ये इतनी पुताई हो गई है, पानी से धोते समय अब तो बहुत डर लगेगा। हाँ, गर्म पानी से धुलूंगा। दिल्ली की सर्दी, ये बताइए कैसी, मतलब इंडिया गेट पर आके बर्थडे सेलिब्रेट करना? बहुत मजा आया, मतलब बहुत मेमोरेबल मोमेंट था लाइफ का ये, मतलब खास दिन रहा बहुत, मतलब अपन रूम में थे तो पता नहीं चल रहा था, बट बाहर आया तो काफी सर्दी, इसलिए डबल जैकेट पहन के, और बहुत मजा आया। और भी इनके बाकी दोस्तों को भी बुलाते, इधर आ जाइए। आपका क्या नाम है? अदीब। मस्ती करो आप लोग? फुल एंजॉयमेंट, फुल एंजॉयमेंट। और ये इतना केक पोट दिया, ठंड लग जाए तो कोई बात नहीं, आज का दिन है, एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, दोस्त है तो याद तो रहना चाहिए इनको कि हम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि इनको याद रहना चाहिए, इसलिए मैं इंडिया गेट आया हूँ कि दिखाने के लिए भाई का सेलिब्रेट किया बर्थडे, और याद रहे उस ठंडी में जहाँ 6-7 डिग्री टेम्परेचर है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, हम इसको लेके आए यहाँ पे केक लगा रहे। कुछ लोग तो बर्फबारी का भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, होनी चाहिए, उसका मजा ले, हम लोग बाहर जाकर अच्छा यहीं पे ले लें, ऑफिस से निकलते बर्फ और गिर रही है, क्या मजा आया वहाँ पे। फिर मतलब पैसे पैसे बचाने का भी पूरा जुगाड़ कर रहा हूँ। बिल्कुल, इतनी महंगाई में पैसे तो बचाएंगे ही हम। देखिए, ये युवा हैं अपने बर्थडे बॉय का, वसीम का, यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, और इनका ये कहना है थोड़ी बर्फबारी हो जाए तो मौका और दस्तूर और ज्यादा इनके लिए बढ़ जाएगा। फिलहाल ये लोग इस वक्त एंजॉय करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो माना यही जाता है कि आप गर्म खाना खाएं, गर्म चीजों का सेवन करें, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन जब आप राजधानी की सड़कों पर घूमेंगे तो आपको स्थिति अलग नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आइसक्रीम खाते हुए आपको दिखाई दे देंगे। कानपुर के रवि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, और आइसक्रीम की ये उनकी छोटी सी दुकान। रवि, आधी रात के 12 से ज्यादा का वक्त हो चला है, अभी तक आप खोल के रखे हो, कब तक आइसक्रीम यूं ही बेचते हो? 1 बजे तक बेचते हो, कमाई हो जाती है अच्छी? सर्दी में तो ऐसे ही है, बहुत से लोग कम खाते हैं। सर्दी में लोग कम खाते हैं, अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे खाने आइसक्रीम में? जी आ रहे हैं। मतलब रात को अगर आपने खोल के रखा हुआ है तो आते होंगे लोग या नहीं आते? आते हैं, आते हैं लोग। चलिए, रवि का कहना है कि आते हैं, लेकिन गर्मियों के मुकाबले थोड़ी सी इनकी खपत कम होती है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत। मैम, आप लोग घूमने के लिए आए हो यहाँ पे? यस मैम। ठंड नहीं लग रही है? बहुत। इतनी खूबसूरत तैयारी करके पूरे फुल मेकअप में एकदम एंजॉय कर रहे हो आप, है ना? यस, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ मैम। कहाँ के रहने वाले? आगरा। आगरा, आगरा से आप लोग तो घूमने आए हैं या फिर यहाँ पे रहते हैं? नहीं नहीं, घूमने आए। घूमने के लिए दिल्ली? दिल्ली ही क्यों? दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की सर्दी आगरा से देखनी। क्या नाम है आपका? और इतनी ठंड है और आप आइसक्रीम खा रहे हो, अच्छा लग रहा है खाना? ठंड नहीं लग रही है? लग रही है, पर ठंड के मजे भी तो अभी लेने हैं। ठंड के मजे लेने के लिए आए हुए हो आप भी सर? ऑब्वियसली, यही तो फन है यहाँ पे, आइसक्रीम खाना और दिल्ली में घूमना और ठंड के दिनों में। देखिए, यहाँ पे दिल्ली वाले पूरे मजे लेते हुए, और इसमें से बहुत सारे लोग तो बाहर लंदन के एक शख्स मिल गए, आपने सुना उनको, आगरा से पूरा का पूरा परिवार आया हुआ है, फुल मजे इस वक्त राजधानी दिल्ली की सड़कों पर। आधी रात का ये वक्त है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस ठंड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये चाहते हैं ठंड और ज्यादा बढ़े, ताकि ये लोग दिल्ली की सर्दी का और मजा ले पाए।
राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसी ठंड का मजा लेने के लिए दिल्ली में जो लोग रहते हैं राजस्थानी, आप देखिए आइसक्रीम खाते हुए आधी रात को लुत्फ उठाते हुए दिल्ली की सर्दी का नजर आ रहे हैं। सर राजस्थान से आप जी? कहाँ से? बीकानेर से। क्या नाम है आपका? हेमचंद पुरोहित। मतलब एक तो इतनी कड़ाके की सर्द रात, ऊपर से आप आइसक्रीम खाते हुए पूरा सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं आप? जी मैडम, पूरा लुत्फ उठा रहे हैं सर्दी का। आप भी राजस्थान? मैं भी राजस्थान बीकानेर से हूँ। बीकानेर से? बीकानेर से। बीकानेर तो बहुत अलग अलग चीजों के लिए फेमस है, बहुत सारी बहुत फेमस है, भुजिया, पापड़, रसगुल्ला, मिठाई के नाम से तो और नमकीन के नाम से बीकानेर बहुत फेमस है। दिल्ली की ये सर्दी मीठेपन का एहसास करा रही है या कड़वे लग रही है? नहीं नहीं, मीठेपन का एहसास करा रही है, इसलिए आप लोग आधी रात को बाहर? बिल्कुल बिल्कुल, घूमने के लिए आए हैं। देखिए ये लोग दो तो आपने सुना राजस्थान के बीकानेर से हैं, एक राजधानी दिल्ली से हैं, कहीं कमी ना रह जाए। दिलवालों की दिल्ली, मस्तानी दिल्ली, और यहाँ पर इस दिल्ली वाले इस वक्त की आधी रात को सर्द का भी पूरा मजा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और हिस्सों में चलते हैं। दरअसल दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जरूरी नहीं है कि सर्दी का लुत्फ उठाते हुए लोग इस तरह से देखे जाएं, क्योंकि दूसरे कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है, वहाँ पर लेकर चलते हैं आपको। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठंड की मार की वजह से स्टेशन पर नहीं है भीड़ भाड़, आधी रात को खाली खाली सा है दिल्ली का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। कम ही लोग हैं जो इस ठंड में ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। रात के 1 बज रहे हैं और दिल्ली का मिजाज कैसा बना हुआ है ये जानने के लिए अलग अलग हिस्सों में हम पहुंच रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दो बड़ी बातें जो यहाँ पर आकर पहली बार महसूस हुई है। नंबर वन ये कि यहाँ पर हमेशा की तरह भीड़ भाड़ इस बार काफी ज्यादा कम देखी जा रही है। ठंड लग रही है दिल्ली में? हाँ मैम, दिल्ली में तो ठंड है ही। बिहार से ज्यादा है या बिहार से कम है? बिहार से ज्यादा है। बिहार से ज्यादा ठंड लग रही है इस वक्त? यस मैम। तो आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हो कटरा वैष्णो देवी में माता रानी के दर्शन करने में? यस। वहाँ पे तो और ज्यादा ठंड होगी? वहाँ तो बहुत ज्यादा होगी ठंड, वो तो माइनस में चल रही होगी ठंड। तो फिर ऐसा वक्त क्यों चुना आपने ठंड में? नहीं, ओकेजनली ऐसा एक दिन होता है, टाइम होता है, मतलब इस दिन को घूमने का अपना शौक है, अपना शौक है ठंड में, ठंड का मजा लेने का भी। दिल्ली की सर्दी कैसी लग रही है इस समय? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ठंड का है। अच्छी लग रही है या परेशानी बढ़ा रही है? नहीं, परेशानी तो बढ़ा रही है, लेकिन मतलब काफी दिन बाद इतनी ठंड पड़ी है, 2-3 सालों में इतनी ठंड नहीं पड़ी है, लेकिन इस बार ज्यादा ठंड पड़ रही है। रेलवे स्टेशन देख के क्या नजर आ रहा है? बहुत साफ सुथरा, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आपको भी लग रहा है? यस मैम, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा है? हाँ जी मैम। ठंड लग रही है? मैम ठंड तो उतनी नहीं है, लेकिन तभी अच्छा है। मतलब टोपी भी लगाए हुए, मफलर भी लगाए, दो दो कोट भी पहने हुए, कह रहे ठंड नहीं लग रही है मैम? मतलब ठंड नहीं है? नहीं मैम, हमारे लिए तो नहीं है। आपको भी कटरा जाना है? हाँ मैम, इनको भी कटरा जाना है। देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसा लग रहा है कि वैष्णो देवी जाने के लिए आए हुए हैं, और फिलहाल अच्छी चीज, अच्छी तस्वीर जो नजर आ रही है, एक तो रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का साफ सुथरा है, लोगों की भीड़ भी यहाँ पर काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि ट्रेन समय पर है, उतनी ज्यादा परेशानी पहले के मुकाबले कम से कम इस वक्त हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को नहीं मिल रही है। ये जरूर है कि जमाने वाली ठंड में भी साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है, मिशन स्वच्छता पूरे उफान पर है। लोकेश कुमार यहाँ पर साफ सफाई में व्यस्त है, इनको हमने पकड़ा। और ये बताइए, इतने लोग यहाँ पर रहते थे, पानी छिड़क छिड़क के सबको भगा तो नहीं दिया है? अरे नहीं, वो अपने आप ही उठ गए ना। अपने आप लोग हर रोज ऐसे ही सफाई करते हो? हाँ जी, हाँ जी मैडम जी। और ठंडे पानी को जब यहाँ पे फेंकना पड़ता होगा और सफाई करनी पड़ती होगी, ठंड तो बहुत लगती होगी? हाँ जी, काफी ठंड लगती है, काफी ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन हर रोज आप लोग सफाई करते हो? हाँ जी मैडम जी। और दिल्ली की ये जो सर्दी है, ये मुश्किल बढ़ा रही है या अच्छा लग रहा है? बाकी लोगों को भी बुला लें। अच्छा देखिए, ये लोकेश हैं, इनके दूसरे साथी वहाँ पर सफाई करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, पानी से वाइपर लेकर यहाँ पर क्लीन किया जा रहा है फर्श को, और इनकी ये कोशिश है राजधानी दिल्ली के इस रेलवे स्टेशन को साफ रखा जाए, जिस स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और अब साफ सफाई के बाद यहाँ पर लोगों के इंतजार का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जिनकी सुबह ट्रेनें हैं वो यहाँ पर रात भर इंतजार करेंगे, सुबह अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और अपने गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। लेकिन कोहरे और विजिबिलिटी कम होने की वजह से बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। एम्स देश के सबसे बड़े अस्पताल में भी हाल बेहाल है, अंदर मरीज हैं, बाहर खुले आसमान में घर वाले।
एम्स के बाहर हम मौजूद हैं। आपको बता दें शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जिसमें एम्स में भर्ती जो लोग हैं उनके परिजन वहां पर रह सकें, लेकिन यहां पर इस बस स्टॉप के बाहर आप देख पा रहे हैं किस तरह से बड़ी तादाद है लोगों की जो इस वक्त सो रहे हैं, उनके सामान जहां तहां यहां पर बिखरे हुए हैं। आपको बता दें ये वो लोग हैं जो देश के दूसरे हिस्सों से आते हैं यहां पर अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए, और ये जो प्लास्टिक आप इनके ऊपर देख रहे हैं दरअसल ये रात को इसलिए ओढ़ते हैं क्योंकि कोहरे की वजह से, शीत की वजह से इनका बिस्तर गीला ना हो जाए, इसलिए ये व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर इस बस स्टॉप के नीचे आप देख रहे हैं काफी तादाद में, मैं अगर गिन पाऊं तो कम से कम 20 लोग होंगे जो यहाँ पर सो रहे होंगे। ऐसे ही दूसरे हिस्सों में भी, उधर से हमने आकर देखा, दूसरे हिस्सों में भी ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। खुला आसमान तो नहीं है, ये बस का शेल्टर ज़रूर है, लेकिन लोगों के लिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ी हुई हैं क्योंकि जो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं सरकार की ओर से तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो शेल्टर होम्स कम से कम नाकाफी साबित हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि लोगों को इस तरह से यहाँ पर अपनी रात काटने के लिए बिताने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक महिला कैंसर की मरीज दो दो जंग लड़ रही है, बीमारी जीने नहीं दे रही है, ठंड ने परेशानी और बढ़ा दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनीला देवी। कहाँ से हैं? सहरसा जिला से। जब आप लोगों के लिए शेल्टर होम दिल्ली सरकार बनवाई है तो ऐसे क्यों रह रही हैं प्लास्टिक के नीचे आप लोग? वहाँ पे सीट बोला लोग नहीं है तो मेरे पता नहीं है कहाँ पे है, तो यहीं पे रह। जगह वहाँ पर नहीं है इस वजह से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे रह रहे हैं। किसका इलाज चल रहा है? मेरा इलाज चल रहा है। आपका इलाज चल रहा है? क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है? कैंसर पेशेंट है, ट्यूमर हो गई है पैर में, उनकी ऑपरेशन हुई, कीमो लगी, अब सेकाई चल रहा है। किसका? मेरा। आप ही को कैंसर था? आपको कैंसर था? अभी ठीक है? ठीक है, अभी सेकाई लग रहा है, 5 रोज हुआ है, 20 रोज और लगेगा। अभी 20 दिन और लगेंगे, तो 20 दिन के ऐसे ही रहेंगे आप? तो ऐसे रहते हैं, 20 दिन रहने पड़ता है, हफ्ता में 5 रोज लगता है। आपके पति क्या करते हैं? देहात में काम करते हैं, गेहूं धान काटते हैं और अच्छा। तो जिस दिन से इलाज चल रहा है उस दिन से काम नहीं कर रहा है। आप देखिए एक गरीब परिवार के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा होती हैं और कितनी बेबसी होती है। एक तरफ प्रकृति का प्रकोप है, खुले आसमान के नीचे रहने के लिए आधी रात को ये लोग मजबूर हैं। सुशीला देवी इनका नाम है, सुनीला देवी का इलाज चल रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया इनको कैंसर था और जब से ये बीमार पड़ी है पति का कामधाम भी नहीं चल रहा है क्योंकि वो इनके इलाज में ही व्यस्त हैं और इस खुले आसमान के नीचे ये प्लास्टिक लगाकर और ये लोग इसके भीतर रहने के लिए मजबूर हैं। एम्स के बाहर की, ठीक एम्स के मेन गेट के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक हिंदुस्तान ये भी है जो कराह रहा है और इंतजार में है मदद की। सरकार का रैन बसेरा है जहाँ ठंड से बचने की तमाम सुविधाएं भी हैं, लेकिन लोग इतने हैं यहां जगह कम पड़ गई है। एम्स के बाहर एक शेल्टर होम में मैं मौजूद हूं और आपको बता दें इस तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से कई शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जिसमें कम से कम जो लोग इलाज के लिए आते हैं एम्स में उनको रखा जा सके। 15 बेड इस वक्त जिस आश्रय सुधार केंद्र में मैं मौजूद हूं इसमें है और 15 बेड पर तकरीबन 29 लोग हैं। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से आई हैं आप? अलीगढ़ से। क्या नाम है? बिमलेश। कब से हैं यहाँ पर? है गए 15 दिन, 15 दिन से ज़्यादा है, महीना वर्ष है गए। तो आपको क्यों यहाँ पर क्यों रहना पड़ रहा है? ऑपरेशन की वजह से लाज है। ऑपरेशन हुआ है? हाँ। तो आपको बार बार दिखाना पड़ता है एम्स में? जाना पड़ता है बार बार। और वहाँ पर जगह नहीं है? जगह ना है। मेरे को 15 से 20 दिन हो गए जी। 15 से 20 दिन यहीं पर हैं आप लोग? हाँ जी, कंटिन्यू। तो अपना सामान यहीं रख देते हैं, इलाज कराने जाते हैं, उसके बाद। वो आपकी बेटी है? हाँ जी, मेरी बेटी है, लड़की है, इसका सानिया। तबीयत खराब है? हाँ जी, तबीयत खराब है, लड़का भी, लड़के को कैंसर है, 4 साल का, वो एडमिट है। वो कहाँ पे एडमिट है? सफदरजंग हॉस्पिटल में, आईसीयू में। सफदरजंग हॉस्पिटल में है, 4 साल का है। तो आप लोग कुल कितने लोग वहाँ पे, कौन है हॉस्पिटल में? उसकी मम्मी है जी वहाँ, उसकी माँ वहाँ। हाँ जी। और आप अपनी बेटी के साथ यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो सरकार ने व्यवस्था की है केजरीवाल सरकार ने, ठीक है शेल्टर होम? बहुत अच्छी करी हुई जी, सुविधा मिल रही है जो बाहर से मरीज आते हैं, जैसे बेड मिला हुआ, कम्बल मिल रहे हैं। जैसे हम 3 दिन के लिए आए थे, 2 कम्बल लेके आए थे, अब इतनी सर्दी में 2 कम्बल में काम तो नहीं चलेगा, 1 कम्बल वहाँ, 2 कम्बल यहाँ मिले, गुजारा हो जाता हमारा, सर्दी कटी हुई मैडम जी। देखिए इस शेल्टर होम में बाकी लोग सो रहे हैं लेकिन 2 लोगों से बातचीत के आधार पर कम से कम हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, कंबल
चादर और साथ ही बेड भी दिया गया है जिस पर लोग कम से कम अपनी रात गुजार सकें। ये वो लोग हैं जिनके बच्चों का इलाज या परिवार के किसी शख्स का इलाज एम्स में चल रहा है या दूसरे हॉस्पिटल में, तो कम से कम ये एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं बाहर निकलकर और दिखाते हैं कि दूसरे हिस्सों में क्या ऐसी ही व्यवस्था है या वहाँ पर कुछ और सुधार की गुंजाइश है, जरूरत है। चलते हैं बाहर। जिन्हें जगह नहीं मिली उन्होंने इस ठंड में भी खुले आसमान को ही गले लगा लिया। कुछ ठंड के देवदूत भी हैं जो कांपते हुए भी गर्माहट लाने की भरकस कोशिश कर रहे हैं।